गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विनय श्रीवास्तव, वेलकम टू ऑल इन माई चैनल एसटीडी इंग्लिश ऑनलाइन। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड द चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, रिटन बाय एन फ्रैंक ऑफ क्लास 10th। इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस रीड द चैप्टर। हियर इज़ योर चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। इसके जो लेखिका हैं वो एन फ्रैंक ही हैं। सामने एक यंग गर्ल दिख रही है और यही एन फ्रैंक हैं। ये जो चैप्टर है ये एक डायरी है, डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, उसी का एक पार्ट है जो आपके चैप्टर ग्रुप में दिया हुआ है। और इसी प्रकार इसका जो टाइटल, इसका जो चैप्टर नेम पड़ता है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, यानी एन फ्रैंक की जो डायरी है, ए डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, उसी का एक छोटा सा पार्ट है जो आपके चैप्टर में दिया गया है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं, एन फ्रैंक के इंट्रोडक्शन के बारे में। बिफोर यू रीड, एनालाइज मैरी एन फ्रैंक, 12 जून 1929, फरवरी मार्च 1945, वाज अ जर्मन बॉर्न जेविस गर्ल हु रोट व्हाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली एंड फोर फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड इन वर्ल्ड वार सेकेंड। इसमें बताया गया है कि एन फ्रैंक, इनका जो जन्म हुआ था वो 12 जून 1929 को, और जो इसकी डेथ हुई थी ये फरवरी मार्च मंथ में 1945 में हुआ था। और ये एक जर्मन गर्ल थी, बॉर्न जेविस गर्ल, और ये जेविस यानी यहूदी रिलीजन से बिलोंग करती थी। हु रोट, जिसने लिखा इस डायरी को, कब, वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली, जब वो अपने परिवार के साथ, एंड फोर फ्रेंड्स, और अपने चार दोस्तों के साथ हाइडिंग कर रही थी, छिप रही थी, कहाँ, इन एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम में, ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड इन वर्ल्ड वार सेकेंड, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जब जर्मन अपना अंडर कंट्रोल कर रहे थे नीदरलैंड में, उस समय ये लोग एन फ्रैंक ये अपनी फैमिली के साथ और अपने दोस्तों के साथ एम्स्टर्डम में क्या कर रही थी, छिप रही थी, और उसी टाइम पे उसने इस डायरी को लिखा। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन जर्मनी, बट वेयर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स। उसका जो परिवार था हैड मूव टू एम्स्टर्डम, उसकी फैमिली एम्स्टर्डम मूव कर गई आफ्टर द नाजीज गेन, जब जो नाजीज थे इन्होंने जब जर्मनी में भी अपना आधिपत्य जमा लिया, बट वेयर ट्रैप्ड, लेकिन जो इनकी फैमिली थी, एन की फैमिली, वो क्या कर चुकी थी, वो पकड़ी जा चुकी थी, द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड, जब नाजियों ने अपने अंडर कंट्रोल को यानी अपने आधिपत्य को जब नीदरलैंड में भी एक्सटेंड किया, फैलाया। एज परसिक्यूशन अगेंस्ट दी जेविस पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, जब जेविस पॉपुलेशन, यहूदी जो पॉपुलेशन थी, इनके ऊपर जब परसिक्यूशंस यानी इनके ऊपर जो प्रताड़ना ये बहुत ज़्यादा बढ़ती गई, तो द फैमिली वेंट इन टू हाइडिंग इन July 1942 इन हाइडन रूम्स इन हर फादर ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। इनके जो फादर हैं एन फ्रैंक के, इनके फादर का नाम ओटो फ्रैंक्स था। तो जब जेविस पॉपुलेशन के ऊपर जब प्रताड़ना बढ़ती गई, तो इनकी पूरी फैमिली जुलाई 1942 को अपने पिता ओटो फ्रैंक के ऑफिस बिल्डिंग में जाकर छिप गई। आफ्टर 2 ईयर्स इन हाइडिंग, लगभग 2 वर्ष छिपे रहे, द ग्रुप वाज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एंड डाइड टू टाइफस इन बर्जिन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गार्ट फ्रैंक। 2 वर्ष छिपने के बाद वो जो ग्रुप था यानी इनकी जो फैमिली थी, वाज बिट्रेड, इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था, बिट्रे कर दिया गया, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप, और इन्हें बंदी गृह में भेज दिया गया, जहां पर एन बर्जिन बेल्सिन में टाइफस के कारण उसकी डेथ हो गई विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गार्ट फ्रैंक। उसकी जो सिस्टर मार्गार्ट फ्रैंक है, उसकी मृत्यु के कुछ ही समय के बाद एन की भी जो है टाइफस के द्वारा डेथ हो जाती है। हर फादर ओटो द वनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, उनके जो फादर ओटो थे
उस ग्रुप में यानी उस परिवार में केवल उनके फादर ओटो ही केवल जीवित थे। रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर दी वार एंडेड, और जब ये वार फिनिश हुआ उसके बाद उसके फादर ओटो वापस एम्स्टर्डम आए। टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, और उन्होंने पाया कि एन फ्रैंक की जो डायरी है वो पूरी तरह से अभी क्या है, सेव है, सुरक्षित है। कन्विंस्ड दैट इट वॉज ए यूनिक रिकॉर्ड, और उन्होंने ये माना कि इसका जो रिकॉर्ड था ये बहुत ही यूनिक था। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, इन्होंने उनके फादर ने फिर उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया जताई। उन्होंने इस डायरी को पब्लिश कराया और इसका एक नया नाम दिया गया जिसका नाम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक ऑफ हर 13th बर्थडे, ये जो डायरी थी ये डायरी उसे कब मिली थी, उसके 13th बर्थडे पर मिली हुई थी। क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 June 1942 अंटिल इट्स फाइनल एंट्री ऑफ 1 August 1944, और इस डायरी में एन फ्रैंक ने 12 जून 1942 से लेकर 1 अगस्त 1944 के बीच तक के अपने पूरे लाइफ के सारी घटनाक्रम को एक क्रॉनिकल्स, एक हिस्ट्री के रूप में उसमें डिस्क्राइब किया था। इट वाज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच, और ये जो डायरी थी इसे डच लैंग्वेज में पब्लिश किया गया था, और इसके बाद डच लैंग्वेज से इनटू मेनी लैंग्वेज एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स। डच लैंग्वेज के बाद इसे बहुत सारी भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया और बाद में वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स, और बाद में ये विश्व में सबसे ज़्यादा रीड करने वाली जो है बुक बनी। देयर हैव आल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में बनी, टेलीविजन, थिएटरिकल प्रोडक्शंस हुए, इवन एन ओपेरा, ओपेरा में भी बहुत सारे इस डायरी के बेसिस पे काम हुए, बेस्ड ऑन दिस डायरी, इस डायरी के ऊपर। डिस्क्राइब एज द वर्क ऑफ ए मेचर एंड इनसाइटफुल माइंड, इसमें एक मेचर पर्सन, एक प्रकार से परिपक्व, एक परफेक्ट इंसान एंड इनसाइटफुल माइंड, और एक कुशाग्र बुद्धि वाले इंसान के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, नाजी आधिपत्य में डेली लाइफ, इंसान के जो उसका प्रतिदिन का जीवनचर्या होता है, प्रतिदिन के एग्जामिनेशन के बारे में, प्रतिदिन की परीक्षा के बारे में इंटीमेटली इस डायरी में डिस्क्रिप्शन दिया गया था। एन फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकास्ट विक्टिम्स, एन फ्रैंक जो थी ये इस डायरी से बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड हुई, बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुई, फेमस हुई, एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकास्ट विक्टिम्स, और होलोकास्ट विक्टिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन में आई। अभी तक हमने एन फ्रैंक के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना, आगे हम एन फ्रैंक के द्वारा जो डायरी लिखी गई है उसके बारे में हम जानकारी करते हैं इस चैप्टर के माध्यम से, तो आगे चलते हैं। राइटिंग इन ए डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी, एन फ्रैंक बताती हैं। राइटिंग इन ए डायरी, डायरी में लिखना ये उसके लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था, अन्य लोगों की तरह उसके लिए भी एक विचित्र अनुभव था। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, इसलिए नहीं कि मैंने कभी इसके पहले कभी कुछ लिखा हुआ नहीं था, बट आल्सो बल्कि इसलिए, इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता था दैट लेटर ऑन, कि बाद में नाइदर आई, ना ही मैं और ना ही एनिमल्स और ना ही कोई दूसरा एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ ए 13-year-old स्कूल गर्ल, कि बाद में ना तो मैं और ना ही कोई दूसरा एक 13 वर्षीय स्कूल गर्ल के म्यूजिंग्स से विचारों में कोई इंटरेस्ट क्यों लेगा। ओ वेल, अरे इट डज नॉट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लिखना पसंद है। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर नीड भी थी, बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता भी थी, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, कि मेरे सीने पे, मेरे दिल में जो बहुत सारा भार था, बहुत सारा बोझ था, वो भी क्या हो जाए, उतर जाए।
Paper has more patience than people, I thought of this thing on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. एंड फ्रैंक बताती हैं कि पेपर जो होते हैं उसमें इंसानों से ज़्यादा पेशेंस होते हैं, धैर्य होते हैं. आई थॉट ऑफ दिस थिंग, यह कहते हुए मैंने वन ऑफ दोज डेज उन दिनों के बारे में सोचा, व्हेन आई वाज फीलिंग ए लिटिल डिप्रेस्ड, डिप्रेस महसूस कर रही थी, सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स, अपनी चिन को अपने हाथों के सहारे रखे हुए थी और घर पर ही बैठी थी, बोर हो रही थी, लिस्टलेस, कोई एनर्जी नहीं थी, वंडरिंग चिंतित थी, वेदर टू स्टे इन आर गो आउट, और ये सोच रही थी कि मैं यहीं पर रुकूं या कहीं बाहर जाऊं. आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज, और अंत में मैं वहीं रुकी जहां मैं पहले थी, ब्रूडिंग, सोच रही थी. एस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, कि पेपर में बहुत ज़्यादा क्या होता है, पेशेंस होता है. And since I am not planning to let anyone else read this stiff bag notebook grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend. चूँकि मैं ये planning नहीं कर रही थी कि to let anyone else read, कि कोई अन्य व्यक्ति इसको पढ़े. This stiff bag notebook, इस अस्पष्ट नोटबुक को, जो कि ग्रैंडली रिफर टू एज ए डायरी, जो बहुत ही ग्रैंडली इस डायरी में क्या किया गया था, डिस्क्राइब किया गया था, रिफ़र किया गया था. अनलेस आई शुड ईवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, तब तक जब तक कि मेरे पास एक वास्तविक मित्र ना हो जाए. इट प्रोबेबली वुड नॉट मेक ए बाइट ऑफ डिफरेंस, लेकिन इससे प्रोबेबली संभवतः कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था. Now I am back to the point. अब मैं उसी पॉइंट पर वापस आ गई, that prompted me to keep a diary in the first place, जिसने मुझे सबसे पहले डायरी रखने के लिए prompted किया, प्रेरित किया. I do not have a friend. और I do not have a friend, और मेरे पास कोई friend भी नहीं है. Let me put it more clearly, मुझे स्पष्ट रूप से इसे रखने दो, यानी कहने दो, बताने दो. Since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world, चूँकि इस बात पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा that a 13-year-old girl, की एक 13 वर्षीय girl is completely alone in this world, sorry in the world, कि एक 13 वर्षीय लड़की इस दुनिया में पूरी तरह क्या है, अकेली है. And I am not, लेकिन मैं नहीं. I have loving parents and a 16-year-old sister, मेरा एक लविंग पेरेंट्स हैं. आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पास लविंग प्रेम करने वाले पेरेंट्स हैं. 16-year-old सिस्टर, 16 वर्षीय एक सिस्टर है. देयर आर अबाउट 30 पीपल, लगभग 30 ऐसे लोग हैं, आई कैन कॉल फ्रेंड, जिन्हें मैं अपना फ्रेंड कह सकती हूँ. आई हैव ए फैमिली, और मेरा एक परिवार है. लविंग आंट्स, जिसमें लविंग आंट्स हैं. एंड अ गुड होम, और एक अच्छा सा घर है. नो ऑन द सरफेस, नहीं, बाहर से दिखने पर, ऊपर देखने पर, आई सीम टू हैव एवरीथिंग, ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, केवल एक वास्तविक, एक सच्चे दोस्त के अलावा, ऊपर से देखने पर मेरे पास सब कुछ था. ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम, जब भी मैं सोचती थी, व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स, जब मैं अपने मित्रों के साथ होती थी, इज़ हैविंग अ गुड टाइम, यानी कहने मतलब ये है कि एन फ्रैंक जब वो अपने दोस्तों के साथ होती थी, उसका जो टाइम होता था वो बहुत अच्छा होता था, यानी उसका जो टाइम स्पेंड होता था, अच्छा टाइम कटता था. आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीथिंग एवरीडे थिंग्स. आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग, मैं अपने आप को कुछ भी कहने से रोक नहीं सकती थी, लेकिन जो भी बातें होती थी वो ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, वो डेली रूटीन की बातें होती थी, एक साधारण बातें होती थी. वी डू नॉट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोज़र, मुझे नहीं लगता था कि हमें कुछ पास होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए. एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम, और यही प्रॉब्लम थी.
मे बी इट इज़ माई फॉल्ट, हो सकता है ये मेरी ही गलती हो। दैट वी डू नॉट कन्फाइड इन ईच अदर, कि हम एक दूसरे को कन्फाइड नहीं कर पाते हैं, हम एक दूसरे को अपनी बात को बता नहीं पाते हैं, अपनी पर्सनल बातें शेयर नहीं कर पाते हैं। इन एनी केस, किसी भी मामले में, दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लेबल टू चेंज। दिस इज व्हाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। इन एनी केस, किसी भी मामले में, दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स आर, चीज़ें कैसी भी हों, एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्यवश, दे आर नॉट लेबल टू चेंज, हम उसको चेंज भी नहीं कर सकते हैं और ना ही वो चेंज करने योग्य होती भी हैं। दिस इज व्हाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और यही कारण है कि मैंने डायरी लिखना शुरू किया। टू इन्हेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, अपनी कल्पनाओं में, इन माई इमेजिनेशन, अपनी कल्पनाओं में, दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, अपने इस बहुत ही दिनों से इंतजार करते हुए मित्र का, टू इन्हेंस द इमेज, काफ़ी लंबे समय से अपने जिस मित्र का इंतजार कर रही थी, उसके इमेज को इन्हेंस करने के लिए, उसकी पर्सनालिटी, उसके व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए, आई डू नॉट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, मुझे इस डायरी में उन तथ्यों को लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी, उस प्रकार से, जिस प्रकार से मोस्ट पीपल वुड डू, बहुत सारे लोग लिखते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं चाहती थी ये जो डायरी है ये मेरी फ्रेंड बने। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं इस डायरी को क्या कहने वाली थी, किटी कहने वाली थी। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ल्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी, क्योंकि कोई भी इंसान हमारी उस स्टोरी के एक भी शब्द को नहीं समझता, जिसका नाम उसने क्या रखा था, किटी। इफ़ आई वेयर टू प्लंज राइट इन, यदि मुझे तुरंत इमिडिएटली लिखने के लिए कहा जाता या मैं उसको तुरंत लिखती, आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्राइफ स्केच ऑफ माई लाइफ, लेकिन मैंने अपने जीवन के बारे में एक ब्राइफ स्केच लिखना उचित समझा। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, उतनी ज़्यादा जितना कि मैं इसे खुद नापसंद करती थी। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव ईवर सीन, मेरे जो पिता थे वो बहुत ही एडोरेबल थे, प्यार करने वाले फादर थे। डिड नॉट मैरी माई मदर अनटिल ही वॉज 36, और उन्होंने तब तक माई मदर, मेरी माँ से विवाह नहीं किया जब तक कि उनकी उम्र 36 की नहीं हो गई। एंड सी वॉज 25, और उसकी माँ 25 की नहीं हुई। माई सिस्टर मार्गरेट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, उसकी जो बहन मार्गरेट थी उसका जन्म जर्मनी में 1926 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट में हुआ था। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, और मेरा जो जन्म हुआ था, यानी एन फ्रैंक का जो जन्म हुआ था, वो जून 1929 में हुआ था। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, जब तक वो चार वर्ष की उम्र तक वो फ्रैंकफर्ट में ही थी। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, उसके जो फादर थे वो 1933 में हॉलैंड चले गए। माई मदर एडिथ होलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर, और उसकी जो माँ थी वो भी, जिसका नाम एडिथ होलैंडर फ्रैंक था, वो भी उसके फादर के साथ सितंबर महीने में हॉलैंड चली गई। व्हाइल मार्गरेट एंड आई वेयर सेंट टू एकेन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर, जबकि मार्गरेट, यानी उसकी जो सिस्टर मार्गरेट है, और मुझे, वी आर सेंट टू एकेन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर, मुझे और मेरी बहन मार्गरेट को अपनी ग्रैंड मदर, दादी माँ के साथ रहने के लिए एकेन भेज दिया गया। मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मार्गरेट दिसंबर में हॉलैंड गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और बाद में फरवरी में मैं भी कहाँ गई, हॉलैंड गई। व्हेन आई वॉज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट, जब मुझे उस टेबल पे, ऑन द टेबल, एक टेबल पर प्लंक डाउन बैठाया गया, तो एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट, तो एक प्रकार से मैं उसके लिए क्या थी, एक बर्थडे प्रेजेंट थी, किसके लिए, मार्गरेट के लिए। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, मैंने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से पढ़ना स्टार्ट किया। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6,
और मैं वहाँ तब तक रुकी, यानी आई वॉज सिक्स, 6 वर्ष की उम्र तक वो वहीं थी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन दी फर्स्ट फॉर्म, और 6 वर्ष के बाद उसने एन फ्रैंक ने फर्स्ट क्लास में पढ़ाई शुरू किया। इन द सिक्स्थ फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस क्यूपेरस। सिक्स्थ क्लास में उसकी जो टीचर थी जिनका नाम क्या था, मिसेस क्यूपेरस था। दी हेड मिस्ट्रेस, जो कि हेड मिस्ट्रेस भी थी। एट द एंड ऑफ द ईयर, और वर्ष के अंत में, वी वेयर बोथ इन टीयर, हम दोनों की आंखों में बहुत आंसू थे। एज वी सेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, जब हम दोनों ने एक दूसरे को हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल बोला, अलविदा कहा। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड मा फेल इल, 1941 की गर्मियों में दादी माँ बीमार हो गई, एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ड विथ लिटिल सेलिब्रेशन, और इस प्रकार से मेरा जो बर्थडे था वो बहुत ही कम सेलिब्रेशन में, लिटिल सेलिब्रेशन में गुजर गया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, ग्रैंडमा की जो मृत्यु वो जनवरी के 1942 में दादी माँ की डेथ हो गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कोई भी नहीं जानता कितनी बार मैंने उनके बारे में सोचा, एंड स्टिल लव हर, और आज भी मैं उनसे बहुत ही प्रेम करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर, ये जो दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 में जो बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था, वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर, ये पहले वाले बर्थडे की कमी को पूरा करने के लिए सेलिब्रेट किया जा रहा था, मनाया जा रहा था। एंड ग्रैंडमास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, और दादी माँ की जो कैंडल थी, बाकी कैंडल्स के साथ दादी माँ की कैंडल को भी क्या किया गया, लिट किया गया, जलाया गया। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, हम सभी चार लोग अपना जीवन डूइंग वेल, अच्छी तरह जो है जी रहे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून, और इस प्रकार से प्रेजेंट टाइम में वो डे आया 20 जून 1942, 20 जून 1942 का दिन आया। एंड द सोलन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और इस प्रकार से जो मेरी डायरी की शुरुआत हुई वो बहुत ही सोलेम, बहुत ही गुप्त तरीके से हुई। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द पार्ट 1, द रिमेनिंग पोर्शन यू विल रीड इन द नेक्स्ट पार्ट। आई होप यू विल रीड दिस पोर्शन वेरी केयरफुल्ली। थैंक यू।